भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया त्रिवेणी संगम सतमत सत्संग का 11वां अधिवेशन संपन्न। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सिंधिया मकनपुर के श्री लालजी मध्य विद्यालय के प्रांगण में चल रहे 2 दिवसीय त्रिवेणी संगम सतमत सत्संग के 11वें अधिवेशन का रविवार संध्या समापन हो गया। वहीं इस अधिवेशन में पूज्यपाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज, स्वामी वेदानंद जी महाराज एवं स्वामी योगानंद जी महाराज के मुखारविंद से प्रवचन एवं सत्संग कथा कही गई। मौके पर उपस्थित लाखों लोगों के भीड़ ने इस सत्संग कार्यक्रम को सफल बनाया। बताते चलें कि 2 दिवसीय इस आयोजन में प्रातः 6 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आध्यात्मिक भजन कीर्तन, स्तुति विनती, सत ग्रंथ पाठ एवं प्रवचन किया गया। वहीं इस आयोजन को लेकर सिंधिया मकनपुर के ग्रामवासी कई दिनों से तैयारी में लगे हुए थे। दिवसीय कार्यक्रम जो हुआ त्रिवेणी संगम सतपन सत्संग का है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। यह कार्यक्रम भली भांति पूर्ण पर ठीक ढंग से चला और आगे भी उम्मीद है कि बढ़िया ढंग से संपन्न हो जाएगा। आपका परिचय? मनोहर साथ था। त्रिवेणी संगम सतपन सत्संग का 11वां अधिवेशन, उसके मैं सचिव के पद पर हूँ और यह कार्यक्रम लाखों लोग की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अभी कार्यक्रम जारी भी है, अभी भंडारा चालू है। मेरा नाम देवनंदन शाह है, घर सिरिया पकनपुर। यहाँ सत्संग त्रिवेणी सत्संग का 11वां अधिवेशन हो रहा था, जिसमें चतुरानंद बाबा और योगानंद बाबा तीनों आए हुए थे। सभी ग्रामवासियों को उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत बहुत दूर से सभी लोग आए हुए थे। बहुत अच्छा ढंग से कार्यक्रम हुआ। नवगछिया बाबा विश्व राउत पुल पहुंच पथ पर टेम्पो पलटने से 7 लोग घायल, 3 की स्थिति नाजुक। घायलों में महिला सहित 2.5 माह की छोटी बच्ची भी शामिल। मायागंज रेफर। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विश्व राउत पुल पहुंच पथ पर रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे के करीब एक यात्रियों से भरी टेम्पो पलट जाने से 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। गंभीर स्थिति में 3 घायलों को मायागंज रेफर कर दिया गया है। शेष 4 लोगों का इलाज नौगछिया स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर दुर्घटना स्थल पर पहुंची नौगछिया पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। घायलों में महिला सहित 2.5 माह की छोटी बच्ची भी शामिल हैं। सभी घायल कोसी पार ढोलबज्जा एवं कदवा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं।
घायलों की पहचान खुशबू देवी 28 वर्षीय, मांगन मिस्त्री 35 वर्ष, जीवनलाल 6 वर्ष, संतोषी कुमारी 2.5 माह, चारो नगडरी टोला कदवा नवगछिया एवं सदानंद कुमार 24 वर्ष पचगछिया टोला कदवा नवगछिया, वेदानंद कुमार 24 वर्ष गछिया कदवा जाके रूप में की गई है। इनमें से खुशबू देवी एवं संतोषी कुमारी के अलावे एक अन्य लोग हैं जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है जिसे मायागंज रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी अनुसार लगभग एक दर्जन से ज्यादा यात्री टेम्पू पर सवार होकर नवगछिया आ रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से एक अनियंत्रित गति से आ रही ट्रक से बचने के क्रम में टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गई और सभी लोग घायल हो गए। नवगछिया जमीन विवाद में गोपालपुर थाने के चौकीदार को अपनों ने मारी गोली। गोपालपुर थाना के चौकीदार गोसाई गांव निवासी रमेश दास, जो शनिवार की देर रात्रि को ड्यूटी कर घर वापस लौट रहा था, इसी दौरान उसे फोन कर अपने पड़ोसी ने बुलाया और पकड़कर उसे दो गोली मार दी। मिली जानकारी के अनुसार रमेश दास के नाना नानी को पुत्र नहीं था, जिस कारण रमेश की माँ अपने मायके गोसाई गांव में ही बस गई और रमेश को चौकीदारी की नौकरी भी नाना की जगह पर मिली। आसपास के लोगों के अनुसार रमेश को चौकीदार की नौकरी मिलने से भी उसके पड़ोसी नाराज थे, परंतु जमीन संबंधी विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। हालांकि जमीन संबंधी विवाद के कारण उसे अपने लोग ही उस पर जानलेवा हमला कर देंगे, यह उसे कतई विश्वास नहीं था, जिस कारण वह बुलाने पर चला गया। उसके घर पर उसके सबसे छोटे पुत्र राकेश कुमार, जो गाँव के ही विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता है, ने बताया कि बूढ़ी दादी व हम चार भाइयों के परवरिश का भार पापा पर ही है। अब हम लोगों को यहाँ रहने पर भी डर लगता है। परिवार के सदस्य पापा के साथ पटना इलाज कराने गए हैं। वहीं गोपालपुर थाना के घायल चौकीदार गोसाई गांव निवासी रमेश दास के फर्द बयान पर गोपालपुर थाने में 5 नामजद व 2 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि दुखन दास, दिलीप दास, बाल कृष्ण दास, सूरज दास व एक महिला सहित 2 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ गोली लगने से गंभीर रूप से घायल रमेश दास के फर्द बयान पर मामला दर्ज करते हुए 2 नामजद आरोपितों दुखन दास व सूरज दास को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि रमेश दास को शनिवार की देर रात को फोन से बुलाकर नामजद आरोपियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फिलहाल पीएमसीएच में इलाजरत चौकीदार को चिकित्सकों द्वारा दिल्ली रेफर कर दिया गया है। नवगछिया जदयू ने गोपालपुर विधानसभा की समीक्षा बैठक। जनता दल यूनाइटेड नवगछिया संगठन के गोपालपुर विधानसभा की समीक्षा बैठक जदयू कार्यालय नवगछिया में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि गोपालपुर विधानसभा के सभी 260 बूथ पर अध्यक्ष और सचिव का चयन किया जा चुका है। हम मुख्यमंत्री के विकास कार्यों का संदेश हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए संगठन निचले स्तर पर अभियान चलाएगा ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी मिल सके। वही मौके पर प्रदेश द्वारा मनोनीत गोपालपुर विधानसभा प्रभारी सुबोध चौहान, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष मुरारी मंडल, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी, इस्माइलपुर प्रखंड अध्यक्ष चंद्रिका मंडल, नवगछिया नगर पंचायत अध्यक्ष ज्ञान सख सिंह, अखिलेश आनंद, विजय सिंह, दिनेश मंडल, रूपक पटेल, टुनटुन मंडल, उमेश जायसवाल, कृष्णदेव जायसवाल सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 97096110005 8292941326। नवगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम वर्ल्ड जिम स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के समीप नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम पूर्णतया वातानुकूलित। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय मोटापा, हाई लो बीपी, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाएं। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम नवगछिया स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929।
9769924522455 बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नवगछिया का एकमात्र दुकान जहाँ उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग च्वाइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586 8294585586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर। शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर नया टोला नवगछिया काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल 9571443094 8779221002। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934264437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। नवगछिया डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुई घटना के विरोध में निकाला गया आक्रोश मार्च। मौके पर सामाजिक संस्था के सदस्यों ने कहा कि मंचलों में कहीं नहीं है कानून का डर, जिसके कारण वह अपराध करने के पूर्व नहीं है सोचते। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के बलात्कार के बाद हत्या की घटना के विरोध में नवगछिया के सामाजिक संगठनों ने आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। आक्रोश मार्च श्री गोपाल गौशाला से रेलवे स्टेशन तक निकाला गया। इस क्रम में प्रदर्शन करने वाले सभी लोग हाथों में तख्ती लेकर बलात्कारियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। मौके पर एक नुक्कड़ सभा में संतोष गुप्ता ने कहा कि इन दिनों पूरे देश में बलात्कार की घटना की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि बलात्कारियों में कोई डर नहीं रह गया है। वहीं मौके पर डॉक्टर संदीप गुप्ता ने कहा कि आम महिलाओं में डर व्याप्त हो गया है। घर से बाहर निकलने में महिलाएं हिचकिचाने लगी है, जो इस देश के लिए बहुत ही बुरी खबर है। वहीं मौके पर क्ली नौगछिया, ग्रीन नौगछिया, मारवाड़ी युवा मंच, शिवरात्रि कमेटी, सेवार सहित कई संस्था के सदस्य मौजूद थे। फांसी दो। नवगछिया 3 दिसंबर से नहीं चलेगी ओवरलोड ट्रक। ट्रक एसोसिएशन ने 1 दिसंबर से ट्रकों को ओवरलोड ना किए जाने की घोषणा की है। एक प्रेस रिलीज के माध्यम से संगठन के मीडिया प्रभारी व प्रवक्ता बबलू मंडल ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड ट्रकों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाने एवं ओवरलोड ट्रकों का दबाव विक्रमशिला सेतु पथ पर बढ़ जाने के खतरे को देखते हुए भागलपुर नवगछिया ट्रक ऑनर एसोसिएशन के तत्वाधान में नॉर्थ बिहार स्तर पर एक बैठक 3 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ओवरलोडिंग को रोकने के लिए बेगूसराय, बेतिया, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, कुर्सला में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बबलू मंडल ने कहा कि 3 दिसंबर को नॉर्थ बिहार के सभी ट्रक मालिकों की एक बैठक नवगछिया के राज पैलेस में आहूत किया गया है। नवगछिया गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर को मिली मान्यता। गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर राजेंद्र कोली नवगछिया को बिहार सरकार से मान्यता मिल गई है। लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा संचालित गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर नवगछिया को बिहार सरकार से प्रस्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया है। अब इस विद्यालय में पढ़कर निकलने वाले बच्चों का प्रवेश सीधे सरकारी उच्च विद्यालय में होगा। विद्यालय के प्राचार्य लाल बाबू राय ने कहा कि यह छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नवगछिया की बेटी ने सोशल मीडिया पर किया अपना फोटो वायरल। कहा सिर्फ मोमबत्ती जलाना ही नहीं बल्कि राइफल चलाना भी आता है। नवगछिया की बेटी सह मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय की छात्रा स्मृति सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर अपना राइफल चलाते हुए एक फोटो वायरल किया गया है। हालांकि यह तस्वीर NCC कैंप का लग रहा है। वहीं उन्होंने फोटो के साथ लिखा है कि उसे सिर्फ मोमबत्ती जलाना ही नहीं बल्कि राइफल चलाना आता है। बताते चलें कि हैदराबाद में हुए
डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या किए जाने की घटना को लेकर पूरे देश में उबाल है। इस कांड को लेकर मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया था। श्रद्धांजलि सभा के बाद कॉलेज की छात्रा व नौगछिया की बेटी द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो डालकर आक्रोश व्यक्त किया गया है, जिसे आम लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है।